योर एक्सपीरियंस पागल नो माय एक्सपीरियंस नहीं, आप लोग नॉर्मली ऐसे हो मेरे ख्याल में. कैसे ऐसी पागल से? पागल से और क्या? ल्यूनेटिक्स पागल, पोजेसिव, ओवर एक्सप्रेसिव. अल्लाह. और जिद्दी. जिद्दी भी? हाँ, ये मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कि तुम जिद्दी नहीं हो. हाँ मैं हूँ, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पूछना पड़ेगा. गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ से. गर्लफ्रेंड मैंने कह दिया ना, वाइफ बेचारी को क्या. क्यों वाइफ बेचारी? हाँ वाइफ बेचारी नहीं होती, हस्बैंड. हाँ हस्बैंड बेचारा होता है. वाइफ इसलिए नहीं क्योंकि सारे मियाँ एक ही जैसे होते हैं. अच्छा? गीला, सो मच गीला. जैसे गीला, आई मीन लाइक अच्छी बीवी के लिए सारे मर्द, चाहे वो कौन से स्टार वाले भी हैं, एक जैसे होते हैं. अच्छा, ये एक नई लॉजिक है. मतलब वहाँ फेल हो जाता है, यानी कि आपको कहने का मकसद ये है. हाँ, स्टार और हाँ, जो भी आपकी लॉटरी निकली है आपको भुगतना है. ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बोरिंग देश है. लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये होता है कि आपके पास स्पेस होता है, आपके पास चांस होता है, या तो उसको बेहतर करने के लिए, और एक्साइटमेंट भी होती है. आप क्यों लगता है ऐसा? क्या मुझे ऐसी लगता है, ये जो शादी है ना, ये बस सारे एक ही तरह की डिश है. बस एक ही तरह की डिश है? हाँ, इट्स समथिंग लाइक एक तरह की डिश. ओके, वेरी गुड. शादी है डिश. बोरिंग. बोरिंग एंड सेम. Nothing happening. No. It's not like that. It is. It's not. It is. Have you experienced it? No. No. But मैं देखती हूँ ना यार. देखने में और to be in some situation is. ये stick दिखाओ इसमें दोनों colors. Numbers दिखाओ. What is? I mean like girlfriend boyfriend. ठीक है. वो असल relation है. तो असल है ना, तो वो फिर आपको लेना है भाई. अब आपका स्कॉर्पियन है, आपका लियो है, गधा जो भी है, आपका हस्बैंड है भाई आप. ठीक है, लेकिन अगर वेरी गुड. ठीक है, लेकिन अगर स्कॉर्पियन है या गधा है, मैंने लियो भी कहा है. जो भी, मतलब ठीक है, मतलब एक्स वाई जी जो भी है तो गधा ही ना. हाँ, तो और बॉयफ्रेंड है और वो स्कॉर्पियन है, एंड यू डोंट लाइक हिम. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में ये नहीं होता. हाँ, उसमें बस इसलिए. अब अगर मेरी कोई खुदा न खास्ता शादी भी होती और एक महीने में छोड़ सकती थी उसको? नहीं, थोड़ा टाइम तो देना पड़ता उसको. ठीक है, थोड़े टाइम के बाद ही छोड़ने की बारी आती है. तो मैंने शादी की है तो बंदा कहता है कि चलो जी साल तो पैसे तो लगे. पैसा तो वसूल हो जाए. और भैंस की आंख पैसा मैं बिचारी मुझसे वसूल होता, सोचे ना. आई लव द वे यू थिंक मैन. बस बहुत हो गया ना, मतलब अब साल हो गया, वसूल हो गया दोनों का पैसा, अब टाटा बाय. हाँ, ऐसा ही होता है. और क्या सही है, मतलब आपको वो जो आपके पैसे खर्च हैं, जो लोग नाचे हैं, जो आपने कपड़े बनवाए उनको पहनना तो होगा ना. तो नहीं, आपका वो है कि अगर तुम बॉयफ्रेंड है तो फिर आपको इन चीजों की परवाह नहीं होती. अगर फिर तो मतलब क्या, कपड़े हो कहीं भी कुछ भी पहन के चले जाओ. अच्छा है वैसे आइडिया. क्या फायदा मुझे शादी कर ली है? नहीं नहीं, शादी के बारे में ये आइडिया अच्छा. शादी इज टोटली अ डिफरेंट थिंग.